फ्रेंच फ्राइज के आप पक्का फैन बन जाओगे अगर आप इसे शकरकंद से बनाओगे। क्रिस्पीनेस और टेस्ट दोनों भी इसमें बहुत अच्छा आता है। वैसे आपके यहाँ शकरकंद या फिर स्वीट पोटैटो को क्या कहा जाता है मुझे कमेंट में बताइए। तो सबसे पहले मैंने उबलते पानी में डाल दिया है नमक आधा छोटा चम्मच, फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है शकरकंद जिसे मैंने फ्रेंच फ्राइज की शेप में काट लिया है, और हमें इसे 3 से 4 मिनट ही रखना है उबलते पानी में, इससे ज्यादा नहीं। फिर इसे निकाल कर पहले हमें इसे ठंडा होने देना है, और जैसे ही ठंडा हो जाए हम इसे डाल देंगे गर्मा गर्म तेल में, और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम या फिर बीच बीच में तेज कर देंगे, और फ्रेंच फ्राइज का जैसे ही इस तरह से रंग हो जाए इसे निकाल लेंगे। फिर इसे निकालने के बाद मैंने इस पर डाल दिया पेरी पेरी मसाला, आप या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, फिर इसे सर्व कर लेंगे।